उत्तर प्रदेश की बात, जहां आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए प्रदर्शनकारी लखनऊ की सड़कों पर जल्द नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट की मांग करते हुए उतरे हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के बाद आज प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। हाईकोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि पहले जो मेरिट लिस्ट है उसे हटाकर नई लिस्ट सरकार 3 महीने में जारी करे। आरोप ये रहा है कि पहले भर्ती देने के दौरान आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद सरकार अब कह चुकी है कि जल्द ही सबके साथ न्याय होगा, लेकिन प्रदर्शनकारी आशंका में हैं। वो चाहते हैं कि जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी हो, इसीलिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और कहीं ना कहीं ये सभी अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। और आज ये अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये अनुप्रिया पटेल का आवास है, यहाँ पर वो रहती है और इसके बाहर का जो नज़ारा है वो आप देखिए कि ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। उनका मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो घोटाला हुआ था उसका कोर्ट को आदेश हुआ था और कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति दी जाए, और जिसके बाद ये सभी जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए। उनका मानना भी है कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो इस समय कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में बेहोशी की भी हालत में आ गए हैं, बेहोश भी हो गए हैं, और ऐसे में ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी ये प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद आज जो है फिर ये केंद्रीय मंत्री जो है उनके यहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग कल भी प्रदर्शन किए थे, आज भी किए हैं, क्या वजह आज अनुप्रिया पटेल के यहाँ पहुंचे? देखिए, कल हम लोग अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे। वहाँ पर जो जाती हुई आपने भी अपने चैनल पे चलाया और आज तक ने पूरा कवर किया हम लोगों को, वहाँ पे केवल हमारी इतनी सी मांग थी कि डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जो काम अधिकारी 2 घंटे में करते हैं उसको 20 दिन बीतने के बाद भी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यही वजह हम लोग जानने के लिए वहाँ गए थे। एक वजह और थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चल रहा था, हम लोग इस उम्मीद में गए थे कि हमारे 2 लोगों को कम से कम मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। बदले में क्या किया कि ये पूरे देश ने देखा, आपने भी चलाया कि हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा गया और गालियां दी गई। उनको पता है कि उनके इस विषय को पिछले कई सालों से कौन उठा रहा है, चाहे व्यवस्था का विषय हो चाहे राजनीतिक रूप से उठाना हो, लगातार हमारी नेता इसको उठाती रही हैं, और इसलिए उनको एक भरोसा है कि अपना दल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। वो अपना दर्द बयां करने आए थे और आपने देखा उनके आंखों में जिस प्रकार से आंसू थे, वो हर एक व्यक्ति को जो है द्रवित कर रहा था। तो मैंने जब उनकी बात सुनी और उनके विषय को किया तो निश्चित तौर पर संतुष्ट हुए और गए।